नमस्कार, गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गुट्टी की पोटली। आज मैं आपके लिए पोमपोम बनाने का वीडियो लेकर आई हूँ। पोमपोम बनाने के लिए हमने दो तरह की ऊन का इस्तेमाल किया है और एक पोमपोम मैंने 3 इंच का बनाया है, ये पोमपोम मैंने 2 इंच का बनाया है और ये पोमपोम मैंने 1 इंच का बनाया है। तीनों तरह के पोमपोम को बनाने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है, तो आइए हम पोमपोम बनाना शुरू करते हैं। पोमपोम बनाने के लिए आप ऊन अपनी मनपसंद कलर की ले सकते हैं, जो कलर आपको पसंद हो आप वही कलर लेकर पोमपोम बनाइए। तो आइए हम पोमपोम बनाना शुरू करते हैं। पोमपोम बनाने के लिए सबसे पहले हमको किन चीज़ों की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमको कितने इंच का पोमपोम बनाना है। पोमपोम बनाने के लिए हमको पहली चीज़ की ज़रूरत पड़ती है इसका बेस बनाने की, जो हम किसी गत्ते से या कार्डबोर्ड से बनाएंगे। फिर दूसरी चीज़ की ज़रूरत हम ऊन लगाएंगे, किस रंग का हम पोमपोम बनाना चाहते हैं, एक रंग का या जैसे मैंने ये मल्टी कलर का बनाया है, आप मल्टी कलर का बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। अगर 2 रंग का बनाना चाहते हो तो रंग आप अपनी मनपसंद कोई भी 2 रंग ले सकते हो, मैं इन 2 कलर्स का बनाऊंगी। और एक हमको कैंची की ज़रूरत पड़ेगी, सीज़र की। हमको अगर 1 इंच का पोमपोम बनाना है, अगर हम 1 इंच का पोमपोम बनाना चाहते हैं तो हम 1 इंच चौड़ा गत्ता को काट लेंगे और इसके बीच में इस तरह का हम गैप रख देंगे। और 1 इंच का पोमपोम बनाने के लिए हम धागे को गत्ते के ऊपर कार्डबोर्ड के ऊपर 100 बार लपेटेंगे, 100 टाइम्स लपेटेंगे। और लपेटेंगे ऐसे नहीं कि एक ही जगह पर हम लपेटते चले जाएं, हम पूरी जगह को कवर करेंगे। चाहे हम 1 इंच का बनाएं, चाहे 2 इंच का बनाएं, चाहे हम 3 इंच का बनाएं। अगर हम 2 इंच का पोमपोम बनाना चाहते हैं तो कार्डबोर्ड के ऊपर गत्ते के ऊपर 200 बार हम धागे को लपेटेंगे और बीच में से हम ये गैप बिल्कुल ज़रा सा देंगे। अगर गैप बड़ा हो जाता है, जैसे हम 3 इंच का जब पोमपोम बनाते हैं तो ये गैप बड़ा हो जाता है, इसको भी हम बीच में से ज़रा सा काटेंगे। अगर गैप बड़ा हो जाता है तो पोमपोम बांधते समय अक्सर वो एक साइड को चला जाता है, जिससे पोमपोम 3 इंच का नहीं बनेगा, वो छोटा ही बनेगा। 2 इंच का जब पोमपोम बनाएंगे तो भी गैप हम बीच में से बिल्कुल थोड़ा सा देंगे। अगर हम 3 इंच का पोमपोम बनाना चाहते हैं तो हम धागे को, ऊन को अपने गत्ते के ऊपर कार्डबोर्ड के ऊपर 300 बार लपेटेंगे और इसके अंदर भी गैप मैंने बिल्कुल ज़रा सा दिया है। एक तो एक साइड पर पोमपोम नहीं जाता, दूसरा अगर गैप ज़्यादा होता है तो ज़्यादा बार लपेटने से ये बीच में इस तरह से इकट्ठा हो जाता है, इसमें ये डर भी नहीं रहता। तो आइए अब हम 1-2 इंच का पोमपोम बनाएंगे। किसी भी आप इंच का पोमपोम बनाइए, बनाने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। ये मल्टी कलर का था तो मैंने एक ही धागे से इसको बार बार लपेटा है। इसमें मैंने 2 धागे बिल्कुल इकट्ठे चलाए थे, आप देख सकते हैं बराबर है, लेकिन जो ये पोमपोम है इसमें मैंने कई जगह पर 1 रंग ज़्यादा चलाया है और दूसरी जगह पर दूसरा रंग ज़्यादा चलाया है और कहीं कहीं मैंने डबल धागे को भी चलाया है। इसके ऊपर मैं 2 धागे लपेटेंगे।
लेकिन थोड़ा इस ढंग से लपेटेंगे। पहले मैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। अब मैं यहीं पर दूसरा धागा 10 बार लपेटूंगी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये 20 बार हो गया। अब फिर से मैं यहाँ पर इस धागे को 10 बार और लपेटूंगी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये 30 बार हो गया। अब फिर से इस धागे को मैं यहाँ पर 10 बार लपेटूंगी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। इसी तरह से लपेटते हुए 40 बार मैंने लपेट लिया है धागे को, और एक 200 बार धागे को लपेटना है। 160 बार धागा मैं और लपेटूंगी, तो पहले मैं इस धागे को लपेट लेती हूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। ये मैंने 200 बार इसके ऊपर धागे को लपेट दिया है, कहीं पर मैंने एक रंग लगाया, कहीं पर दूसरा रंग लगाया। अब हम इसको बांधेंगे। बांधने के लिए या तो आप धागे को इसके बीच में ले जाइए, या सुई से भी लेके जा सकते हैं, सुई से आसानी से चला जाता है। इधर से लेकर जाएंगे और इस ओर की साइड से हम इसको बाहर ले आएंगे। धागा हमारा डबल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। अब हम यहाँ पर इसको पहले जोर से आपस में एक गांठ लगाएंगे। कैसे गांठ कैसे लगाएंगे, एक दो, दो बार हम इसको लपेटेंगे फिर से, एक दो। और अब हम इसको जोर से यहाँ पर बांधेंगे और जहाँ तक जितना हो सकेगा हम इसको इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करते चले जाएंगे और इसको यहाँ पे हम ऐसे कसते चले जाएंगे। अब हम एक बार फिर से इसमें से इसको निकालेंगे दूसरी साइड। इस साइड हम फिर से पहले की तरह ही दो गांठ लगाएंगे, एक दो, और खूब जोर से कसते हुए हम इसको आपस में इसकी गांठ। एक बार फिर से हम इसको इसके बीच में से निकालेंगे, गत्ता फट भी जाए तो कोई बात नहीं, धागा हमारा बंध गया है। यहां पर एक बार हम फिर से तीसरी बार पहले की तरह डबल गांठ लगाएंगे, एक और दो। अब हम यहां पर इसको एक बार और गांठ लगाकर पक्का कर देंगे। अब हम कैंची की मदद से इसके यहां के सारे धागे काट देंगे। पहले मैं सारे धागे काट लूं, फिर मैं आपको इधर के भी काटेंगे धागे और इस ओर के भी हम सारे धागे काटेंगे।
आपकी कैंची तेज होनी चाहिए, तभी सारे धागे एक बार में कटेंगे। अगर कैंची तेज नहीं हुई तो ये धागे की बुर निकल आती है, जो दिखने में सुंदर नहीं लगती। तो पहले मैं ये सारे धागे काट लूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाते हैं। ये देखिए सारे धागे हमने काट लिए हैं। ये चीज़ हमारी खूब टाइट होनी चाहिए। इसको अच्छे से ऐसे करके अब हम इसके ट्रिमिंग करेंगे। ट्रिमिंग करने के लिए हमारी कैंची तीखी होनी चाहिए और बिल्कुल हल्की हल्की ट्रिमिंग करते हुए हमको स्टार्ट करना है। ट्रिमिंग कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी, बस हल्की हल्की ट्रिमिंग करते हुए इसको हम गोल आकार देंगे। एकदम से ज़्यादा ट्रिमिंग कहीं से भी मत कीजिए, बिल्कुल हल्की हल्की ट्रिमिंग करें। इसी तरह से पहले मैं इसकी ट्रिमिंग कर लूँ, फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ। पूरी ट्रिमिंग करने के बाद आप देखिए ये कितना सुंदर गोल मटोल पोम-पोम बन गया है। और इसमें हमने एक जगह पर एक ही रंग का धागा लगाया था और फिर धागा को बदलते, इसलिए इसके धागे हर जगह अलग अलग हैं। कहीं पर पीकॉक कलर है, कहीं पर ये फिरोजी कलर है। इस तरह का पॉम पॉम बहुत सुंदर लगता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।